दोस्तों नमस्कार, मैं दीपांशु वाजपेयी और आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों जैसा कि आपको टाइटल या थंबनेल के माध्यम से जानकारी मिल चुकी होगी कि मैं आज जानकारी देने जा रहा हूं ICTSM और कोपा ट्रेड में आखिर अंतर क्या है और इन दोनों ट्रेडों में समानता क्या है, इसी विषय पर पूरा विश्लेषण आज मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा कि हमने इस पेज को दो भागों में बांट दिया है, एक आपका है ICTM और दूसरा कोपा ट्रेड से। अब आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे कि ICTSM और कोपा ट्रेड इनमें क्या अंतर है और कौन सी ट्रेड आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म। जहाँ तक बात करें ICTSM ट्रेड यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, ये तो आपका हो गया ICTSM ट्रेड का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम। अब बात करते हैं कोपा ट्रेड की। तो कोपा ट्रेड का जो फुल फॉर्म है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है, ये तो आपका हो गया कोपा ट्रेड का फुल फॉर्म। अब देखते हैं इसका परिचय, आखिर इन ट्रेडों में क्या सिखाया जाएगा, क्या बताया जाएगा, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं सबसे पहले ICTSM ट्रेड के बारे में। दोस्तों इस ट्रेड में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ साथ इलेक्ट्रिक की बेसिक जानकारी भी दी जाती है। कंप्यूटर रिपेयरिंग का कार्य आपको इसमें सिखाया जाएगा। इंटरनेट तथा सॉफ्टवेयर या ट्रम्बलिंग सेटिंग का कार्य भी इसके अंतर्गत आपको सिखाया जाता है। यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार की जानकारी इस ट्रेड के अंतर्गत आएगी। मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन की बेसिक जानकारी आपको इस ट्रेड में सिखाई जाएगी, कंप्यूटर को कैसे बनाया जाता है, रिपेयर किया जाता है, इंटरनेट तथा उसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, इनकी सभी की और इनकी इंस्टॉलिंग, ऐसी जानकारी आपको ICTSM ट्रेड में दी जाती है। चलते हैं कोपा ट्रेड में। कोपा ट्रेड में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी जैसे कि कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट फाइल कैसे बनाएं, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, छोटी मोटी कंप्यूटर की खराबी को कैसे सही करना है, कंप्यूटर के साथ लगने वाले उपकरणों की जानकारी आपको मिल जाएगी इसमें, वो इस ट्रेड के अंतर्गत दी जाएगी। उसको खराबी को कैसे सही किया जाएगा, मान लिया आपकी छोटी मोटी अगर कहीं खराबी भी आ गई है तो उसको कैसे सही करना है, MS ऑफिस पावर पॉइंट डाटाबेस की जानकारी आपको बेसिक रूप से इसमें दी जाती है। बेसिक जानकारी इसमें आपको कंप्यूटर की लगभग सभी दे दी जाती है, MS ऑफिस या पावर पॉइंट डाटाबेस की हो या कंप्यूटर इंस्टॉलेशन की हो या फिर बेसिक खराबी की जानकारी हो, वो आपको इस कोपा ट्रेड के अंतर्गत मिल जाएगी। दोस्तों ठीक, अब चलते हैं देखते हैं योग्यता की। जहाँ तक बात करें ICTSM के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है, 10th या उसके समकक्ष योग्यता गणित व विज्ञान विषय के साथ में आपका होना जरूरी है, ये योग्यता ICTSM ट्रेड के लिए रखी गई है। वहीं बात करें कोपा ट्रेड की, तो कोपा ट्रेड अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया है, स्ट्रीम चाहे कोई भी हो, विषय कोई भी हो, अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया है तो कोपा ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हैं और उसमें आप फार्म डाल सकते हैं। जहाँ तक बात करें प्रशिक्षण अवधि की, तो ICTSM ट्रेड में 2 वर्ष का प्रशिक्षण होता है। वहीं कोपा ट्रेड की बात करें तो कोपा ट्रेड में 1 वर्ष का प्रशिक्षण कराया जाता है। दोस्तों इसमें संचालन की अगर बात करें तो अगर आप ICTSM ट्रेड में प्रवेश लेंगे तो उसका संचालन जो है NCVT के द्वारा होता है, यानी ITI कंप्लीट करने के बाद में आपको NCVT का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। वहीं बात करें कोपा ट्रेड की, तो कोपा ट्रेड से ITI करने के बाद में आपको SCVT का सर्टिफिकेट अथवा NCVT का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अथवा इसलिए हमने लगा दिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने कोपा ट्रेड को NCVT के अंतर्गत रखा है और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कोपा ट्रेड को SCVT के अंतर्गत रखा है। तो ये डाउट यहाँ पे आपका है, तो आप अगर प्रवेश लेना चाह रहे हैं कोपा ट्रेड में तो सबसे पहले आप प्रॉस्पेक्टस में या कॉलेज में जानकारी लेकर के मौखिक रूप से कि सर ये किसके द्वारा संचालन की जाएगी, SCVT के द्वारा संचालन की जाएगी या NCVT के द्वारा संचालन की जाएगी। वैसे ज़्यादातर 1 वर्ष की जो ट्रेडें होती हैं, 1 वर्ष की ट्रेडें, वो ज़्यादातर SCVT के द्वारा संचालन की जाती हैं।
फिलहाल आपको कोपाट्रेट के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। अब चलते हैं अगली कड़ी में। अगली कड़ी में बात करते हैं शाखा यानी ब्रांच। अगर आप ICTSM ट्रेड से ITI करेंगे, ये एक इंजीनियरिंग ब्रांच की ट्रेड है, और कोपा ट्रेड वो कि नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच की ट्रेड है। ठीक है, आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, ये अंदाज़ा आपको खुद ही लगाना है कि मुझे क्या करना चाहिए, आखिर कौन सी ट्रेड हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। बात करते हैं कोर्स फीस की। तो अगर आप ICTSM ट्रेड में प्रवेश लेंगे तो उसके लिए कोर्स की फ़ीस जो है सरकारी में लगभग 4,000 से 6,000 तक आपकी हो सकती है। वहीं प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में आपकी 30,000 से 35,000 तक आपकी कोर्स की फ़ीस हो सकती है। बात करते हैं कोपा ट्रेड में। अगर कोपा ट्रेड में आप एडमिशन लेंगे तो उसके लिए फ़ीस आपकी लगभग 3,000 तक गवर्नमेंट में पड़ेगी। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में आपकी लगभग 25,000 से 30,000 तक इसमें फ़ीस आपकी लग सकती है। मैं तो फिलहाल आपसे यही राय दूंगा कि आप सरकारी का चयन कीजिएगा। अगर आपका सरकारी में नहीं हो पा रहा है तभी प्राइवेट को प्रेफरेंस दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं ICTSM और कोपा ट्रेड के लिए उच्च योग्यता। अगर मान लिया आप करना चाहें, मान लिया आपने ITI कंप्लीट कर लिया, ITI कंप्लीट करने के बाद आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है यानी आगे और पढ़ाई करनी है, उसके लिए आपको कौन कौन से विकल्प खुले रहते हैं। तो ITI कर देखिए, हमने इसमें एक में लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि दोनों का हमने एक में डाल दिया है, यानी ये जो है ICTSM और कोपा दोनों के लिए ये बराबर है, उच्च योग्यता दोनों के लिए बराबर है। ICTSM में भी लागू होता है व कोपा ट्रेड दोनों में ये नियम लागू होता है। बात करते हैं उच्च योग्यता की। तो दोस्तों ITI के उपरांत आप पॉलिटेक्निक के सीधे तृतीय वर्ष में प्रवेश दे सकते हैं। इसके बाद आप BTEC भी कर सकते हैं, BE भी कर सकते हैं, उसमें भी आप एक वर्ष की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटेक्निक करने के बाद में BTEC या BE करेंगे तो वहाँ भी आपको एक वर्ष की छूट मिलेगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर आप अध्यापन क्षेत्र में रुचि रखते हैं, आपको CITS कोर्स भी करना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। दोस्तों विशेष सूचना और विशेष परामर्श हमने जिन लोगों से लिया है इस वीडियो को बनाने के लिए, श्री रमेश कुमार नंदन जी जो कि पॉलिटेक्निक शिक्षक हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के शिक्षक हैं जो कि पॉलिटेक्निक में इसमें टीचिंग कर रहे हैं, श्री रमेश कुमार नंदन जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें जानकारी प्रदान की जिससे कि मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप तक। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो जो उच्च शिक्षा नहीं करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा यानी आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, ITI करने के बाद जॉब करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए जॉब के कौन कौन से विकल्प खुले होंगे आपको अगली लाइन में समझाता हूँ। देखता हूँ दोस्तों जॉब के अवसरों की ICTSM व कोपा ट्रेड, आखिर आप इन दोनों ट्रेडों में ITI करने के बाद कहाँ कहाँ जॉब पा सकते हैं। ICTSM ट्रेड की, तो ICTSM ट्रेड से ITI के बाद आप ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे, मेंटेनर व कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्किंग असिस्टेंट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। रेलवे में, मेट्रो व DRDO इसरो जैसी संस्थाओं में बहुत सारी वैकेंसी ICTSM ट्रेड से ITI वालों के लिए निकलती रहती हैं। सभी प्रकार की प्राइवेट कंपनियों में, भारत सरकार और प्रदेश के सभी विभागों में लगभग जॉब के अवसर आपको समान रूप से मिलते रहेंगे दोस्तों। तो ये तो थी ICTSM ट्रेड से ITI के बाद आपको जॉब के अवसर कहाँ कहाँ मिलेंगे। अब हम देखते हैं कोपा ट्रेड से ITI करने के बाद आपको जॉब के अवसर कहाँ कहाँ मिलेंगे। कोपा ट्रेड से ITI करने के बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री जॉब भी कर सकते हैं, DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिकेशन का भी जॉब कर सकते हैं, ऑपरेटर की जॉब पा सकते हैं, कस्टमर सर्विस ऑपरेटर की जॉब पा सकते हैं, कॉल सेंटर पर आप कार्य कर सकते हैं, इंटरनेट ऑपरेटर के तौर पे या कस्टमर सर्विस ऑपरेटर के तौर पे भी आप जॉब पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में भी इसमें रेलवे, मेट्रो और DRDO में भी वैकेंसी निकलती रहती हैं कोपा ट्रेड की, लेकिन वैकेंसी थोड़े से कम संख्या में निकलती हैं, ये फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा। चलते हैं फिलहाल अगले स्टेप की तरफ, सैलरी की बात करते हैं। अगर आप इस कोपा ट्रेड से या फिर ICTSM ट्रेड से ITI करने के बाद जब आपकी जॉब लगती है वो प्राइवेट में आपकी लगभग 10,000 से स्टार्टिंग होती है,
और उसके बाद में आप अनुभव के आधार पर आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। वहीं बात करें सरकारी में, तो सरकारी में लगभग 25,000 से स्टार्टिंग यानी शुरुआत होती है, उसके बाद में 65,100 तक आपकी सैलरी बढ़ सकती है। यानी सरकारी में आपको बहुत अच्छा सैलरी मिल सकती है। प्राइवेट में भी आपकी लगभग 10,000 से स्टार्ट होने के बाद में 50-60,000 तक बढ़ जाती है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा अनुभव की आवश्यकता होती है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि सरकारी जॉब आपकी लग जाए, इसके लिए आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। जाहिर है कि आपकी सरकारी जॉब लगेगी भी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? ये तो था ITI, ICT, SM ट्रेड व कोपा ट्रेड में अंतर व उनमें समानताएँ क्या हैं, दोनों पे वीडियो बनाया गया था। जाहिर है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे वाले बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, नमस्कार।